लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों में बात को संतुलित करने के लिए डाइट में शामिल करें ए 5 फूड, जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में मौसम में बात दोष का असंतुलन होना आम बात है, खासतौर पर उन लोगों में जो पहले से बात दोष से प्रभावित है। बात दोष का असंतुलन शरीर में कई समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे त्वचा का रूखापन, जोड़ों का दर्द, मानसिक अशांति और अपच। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 मुख्य दोष वात, पित्त और कफ शरीर की सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। सर्दियों में बढ़ा हुआ वात दोष विशेष रूप से थकान, जोड़ में दर्द, बेचैनी और ऊर्जा का कमी का कारण बनता है। वात दोष को संतुलित करने के लिए आयुर्वेदिक आहार और जीवन शैली का पालन करना जरूरी होता है, जिसमें गर्म और पौष्टिक भोजन, मसालों का सेवन और नियमित मालिश अभ्यंग शामिल है। सर्दियों में वात दोष को संतुलित करने के लिए आयुर्वेदिक फूड्स, पहला है गाय का घी। गाय का घी आयुर्वेद में पौष्टिक और वात दोष को संतुलित करने के लिए उत्तम माना गया है। इसका नियमित सेवन शरीर की एनर्जी और गर्माहट प्रदान करता है। घी में पाए जाने वाले गुण ड्राइनेस को कम करते हैं और नमी को बनाए रखते हैं। भोजन में 1 चम्मच घी का सेवन दिन में 2 बार करने से पाचन भी बेहतर होता है। अदरक, अदरक सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। इसका सेवन वात दोष को कंट्रोल करता है और पाचन में सुधार लाता है। अदरक की चाय या सूप बनाकर इसका सेवन करना सर्दियों में फायदेमंद होता है। ये सूजन को भी कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध सर्दियों में बेहद लाभकारी माना जाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो वात दोष को संतुलित करते हैं। सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में गर्माहट आती है और ये सर्दी जुकाम से भी बचाव करता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना सर्दियों में अच्छा उपाय है। तिल, तिल वात दोष को संतुलित करने के लिए सबसे पुराना और प्रभावी उपायों में से एक है। सर्दियों में तिल के तेल का इस्तेमाल या तिल का सेवन शरीर में अंदर से गर्म रखता है। तिल में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की गर्माहट बनाए रखने और हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। तिल का लड्डू या तिल के तेल से अभ्यंग करना विशेष रूप से सर्दियों में लाभकारी होता है। दालचीनी, दालचीनी शरीर की गर्माहट बढ़ाने के साथ साथ वात दोष को संतुलित करने में मदद करती है। इसे चाय, दूध या खाने में मिलाकर सेवन करने से शरीर की ठंडक कम होती है। दालचीनी का नियमित सेवन शरीर में सूजन को कम करता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में सर्दियों में वात दोष को संतुलित करने के लिए डाइट का विशेष महत्व है। घी, अदरक, तिल, दालचीनी, हल्दी का सेवन वात दोष को संतुलित करने के साथ शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।